नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत, इंसान 38 दिन बाद हिरासत में, कहा मेरा और राम रहीम का रिश्ता बाप बेटी का, देशद्रोह के आरोप झूठे। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में बीएसएफ शिविर पर आतंकवादी हमला, 3 आतंकी मार गिराए, 1 एएसआई शहीद। हिमाचल के बिलासपुर में मोदी का चुनावी शंखनाद, एम्स की आधारशिला रखी, कहा सर्जिकल स्ट्राइक से सेना का मनोबल बढ़ा, भारत ने बता दिया हम किसी से कम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक चंदे से संबंधित कानून में संशोधन को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा। हैदराबाद में बारिश का कहर, 3 लोगों की मौत, कई जगह पानी भरा। प्रद्युम्न हत्याकांड में रेयान स्कूल के मालिक पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। गुजरात में वलसाड़ जिले के भिलाड़ में बैंक जा रही आरटीओ की गाड़ी से 1 करोड़ से ज्यादा की लूट। तेलंगाना में करीमनगर जिले के अप्पानपेट में 2 कारों की टक्कर में 5 लोगों की मौत, 3 घायल। अमेरिकी सांसद ने गांधी जयंती मनाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। अफ्रीकी देश कैमरून के अंग्रेजी भाषी क्षेत्रों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प, 17 लोगों की मौत। म्यांमार के केंद्रीय मंत्री ने कहा रोहिंग्या शरणार्थी लौट सकते हैं म्यांमार। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।